पावन नगरी सुल्तानपुर लोधी हल्के च फूड सप्लाई विभाग वालों वेरीफिकेशन के नाँ से गरीब परिवारों के कटे गए आटा दाल स्कीम के तहत स्मार्ट कार्ड का मामला हुण पकदा होया नजर आ रहा है। लोग फूड सप्लाई विभाग से उंगलां चुक रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर कौंसल के प्रधान दीपक धीराज, मीत प्रधान नवनीत सिंह, साबका चेयरमैन कौंसलर तेजवंत सिंह समूह कौंसलर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता विच गरीबा नाल वड्डे वड्डे वादे करके आई है, पर अज उन्होंने हकां ते डाका मारन दे लई सरकार तुर पई है। उन्होंने कहा कि बड़ी ही निंदनयोग गल है कि बिना वेरीफिकेशन तो ही फूड सप्लाई विभाग ने 40% तो वध गरीब वर्ग के नाल संबंधित लोगों के आटा दाल स्कीम तहत बने स्मार्ट कार्ड कट दिते ने। उन्होंने कहा कि कार्ड कटन तो पहला इसकी चंगी तरह वेरीफिकेशन होनी चाहिए है, पर उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब वर्ग के नाल धक्का किया है ते दफ्तरों विच ही बह के राशन कार्ड कट दिते हैं, जिस कारण गरीब लोगों च रोस की लहर पाई जा रही है। उन्होंने सरकार तो मांग की कि जिन्हों गरीब लोगों के राशन कार्ड कटे गए हैं उन्होंने दोबारा बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि जेकर इस तरह नहीं हुंदा तां गरीब वर्ग सड़कां ते आ जाएगा ते संघर्ष दा रस्ता अख्तियार करेगा, जिसका जिम्मेवार फूड सप्लाई विभाग ते पंजाब सरकार होगी। हाँ जी, अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा साडा मतलब ये सीगा वी जिहड़े ये कार्ड कट्टे गए आ कणक वाले शहर दे, असी पुरजोर अपील करदे आ सरकार नूं वी इहदी दुबारा दुरुस्ती करा के जिहनूं बनदा हक सरकार दीआं हदायतां मुताबक उन्हूं वो कणक मिलनी चाहीदी है, और इहदे विच कोई मुनसिपल कमेटी का कोई रोल नहीं इस काम दे विच वी, जिहड़ा कोई किसी का कार्ड कट्टिया होवे जां ना कट्टिया होवे, और जो सरकारां दे हदायतां दे हिसाब नाल हर एक बंदे नूं जिहड़ा लोड़वंद आ उन्हूं वो कणक मिलनी चाहीदी है। सत्ता पक्ष ये दोष ला रही है कि जिहड़ा सर्वे किया गया म्युनिसिपल कौंसल दे कर्मचारियों वल्लों किया गया वा उन्होंने कटाए है। कर्मचारी सरकार दे हुंदे आ जी, कर्मचारी किसी के घर के नहीं होंगे, ना किसी प्रधान के ना किसी होर के, कर्मचारी जोड़े सरकार दे, जो सरकार ददायत होंगे कर्मचारियों ने उ करना होंगे, और नहीं जे इन्होंने नहीं किया होर किसी को वेरीफाइड करा लें, जो साढ़े म्यूनसिपल कमेटी वाले को नहीं और काम ठीक होया मुलाजमा को तो वो होर कोई एस डी एम ऑफिस तो बी डी ओ ऑफिस तो कितने होर लवा लें मुलाजम। लोगों कि समस्या जो कार्ड कटे गए जो साढ़े को इस वे लोगों की समस्या आ रही है जी, घट्टो घट 40-45% लोगों के 50% करीब जिहड़े ओह लोकां दे कार्ड कट्टे गए आ, उहदे विच बहुत सारे लोग असी भी कोई कई ये आ जिहड़े नहीं बनदे लीजीबल असी उहनां नूं नहीं कहिंदे, कई बंदे वाकई जिहड़े लीजीबल आ उहनां नूं जरूर मिलनी चाहीदी आ, और इहदी जिहड़ी आ साफ ते स्पष्ट जिहड़ी आ ओह होणी चाहीदी। लाभपात्रियां दे जिहड़े आटा दाल कार्ड कट्टे गए ने उहनां बारे की कहना चाहुंदे हो? देखो उहदे बारे मैं अज ही सवेरे डी सी साहब नूं मिल के आया, ये सीधे तौर पर लोगों का धक्का होया, तो जेडे बंद इस काम से लाया सी जो तो मैं बंदे पूछे ना काम कि लाया तो कहते जी जिहड़ा पी एन सी उन्हूं लाता, कि पी एन अंडरस्टैंड कर सकता कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक बंदे दी कार्ड कट्टण वाली, अखा बंद करके उत्तों इंस्ट्रक्शन आई 20% कार्ड कट दौ 2100 चो 500 कुछ कट दे, तो अगली इंस्ट्रक्शन अज मैं पता लगी कि 40% की कार्ड कट, सो ये सरकार उत्तों इंस्ट्रक्ट कर रही है कार्ड कट्टण लई, ये होण नहीं देना। मैं जिन्ने कार्ड अज तक कट्टे गए आ डी सी साहब नूं मैं कहा कि सानू पर परसन जिहड़ा कार्ड कट्टिया उहदी जस्टिफिकेशन दिओ, जिस बंदे ने कट्टिया क्यों कट्टिया गया, तो जो जदों जस्टिफिकेशन आ जाएगी पता लग जूगा उस जिन्ने कार्ड गलत कट्टे गए आ, तो उन्होंने ये भी अशोर किया जिन्ने कार्ड गलत कट्टे गए आ वो दोबारा सही किए जाने। तुहानू की लगता है कोई नैक्सस हो सकता है ये पिछले का कोई कारण? देखो गरीब जनता नू एक सरकार दाने ही प्रोवाइड कर सकती है, तो जे आप एक गरीब जनता के दाने ही खोलिए मैं समझा तो माड़ी गल कोई नहीं है।